नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मीणा ने की दावेदारी पेश। भाजपा जिलाध्यक्ष कोठारी को पेश किया दावेदारी का फॉर्म। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मीणा ने भाजपा से टिकट के रूप में की दावेदारी की मांग। भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी एवं बाबू भाई पटेल वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष को पेश किया दावेदारी का फॉर्म। मीणा ने बताया कि पिंडवाड़ा को विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1977 में जनता पार्टी से मीणा समाज को उम्मीदवार अरदा राम मीणा को बनाया था। उसे पिंडवाड़ा आबू विधानसभा से पिछले 45 साल से केवल गरासिया जनजाति की उम्मीदवार को ही पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में परिसीमन 2004 के बाद गरासिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र आबू रोड रेवदर विधानसभा में शामिल किया गया है। इस बार पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मीणा समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि उदयपुर संभाग में भील गरासिया जनजाति के 17 लोगों को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाता है, जबकि जोधपुर संभाग में मीणा समाज गरीब 15 विधानसभा क्षेत्र में 30 से 35,000 से अधिक प्रत्येक विधानसभा में मतदाता हैं। मीणा ने जिलाध्यक्ष कोठारी को बताया कि अगर वोट समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार मुझे अगर टिकट दिया जाता है तो सभी 15 विधानसभाओं में मीणा समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने से सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। भाजपा से टिकट की दावेदारी में आया सामने मीणा समाज। मीणा समाज के प्रबुद्ध जनों ने मीडिया से वार्ता में बताया कि अगर भाजपा पार्टी इस बार आबू पिंडवाड़ा से गरासिया समुदाय की जगह अगर मीणा समुदाय के प्रत्याशी को पार्टी के रूप में चुनती है तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहरा जाएगा बरसों के बाद सामने आई दावेदारी लगभग 1977 के बाद से आज तक गरासिया समुदाय को जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रत्याशी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, लेकिन इस बार मीणा समुदाय के बाबूलाल मीणा ने पेश की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।